फर्जी मुकदमा लिख पीड़ित को पुलिस ने फंसाया। पीड़ित ने कहा कि पुलिस को करना होगा मुकदमा वापस, मैं नहीं हूं गलत। अपराध संख्या 192 धारा 420 447 506/0-0 थाना न्यू आगरा जिला आगरा में गलत पंजीकृत अभियोग में चल रही विवेचना में सही तथ्यों के आधार पर मुकदमा एक्सपंज किया जाना चाहिए था। अवनीश गुप्ता, रवि गुप्ता ये तीनों वीरेंद्र शंकर गुप्ता के पुत्र हैं। इन परिचय में संजीव कुमार हमारा नाम है सर। ये आपकी जो कॉन्फ्रेंस के मुद्दे को लेकर ये हमारे खिलाफ एक झूठा मुकदमा कायम किया हुआ है और मुकदमा अपराध संख्या 192/2022 जो कि बिल्कुल फर्जी मुकदमा कायम किया हुआ है। ये थाना न्यू आगरा मुकदमा क्यों किया गया था? मुकदमा का जो आधार उन्होंने जो बताया था वो चेक बाउंसिंग का आधार बताया था, जबकि हमारे सारे चेक क्लियर हैं। हमारा कोई भी चेक ऐसा नहीं है कि हमारा कोई चेक डिसऑनर हुआ हो। बाकी हमने जो ये प्लॉट लिया था वो सोसाइटी से प्लॉट लिया था, ये देवनगर सहकारी आवास समिति से हमने प्लॉट लिया था और विधिवत जो सोसाइटी के नॉर्म्स होते हैं उस नॉर्म्स के आधार पर हमने प्लॉट लिया था। विधिवत सोसाइटी ने हमें अपना सदस्य बनाया, सदस्य होने के आधार पर हमने वो प्लॉट का बैनामा कराया अपने नाम और सोसाइटी द्वारा कोई हमारे ऊपर मुकदमा नहीं लिखाया गया। मुकदमा जो लिखाया गया है वो फर्जी लोग हैं। किस रिलेटेड चेक बाउंस से ये आपने बताया था बीच में, किस रिलेटेड मुकदमा लिखाया गया है? मुकदमा लिखने का जो आधार उन्होंने बनाया है, उन्होंने क्या किया, जो हमारा बैनामा था हमारे बैनामे में सितंबर बैनामा हटा दिया और हमारा बैंक स्टेटमेंट हटा दिया और जो एक तहरीर दी थी उन्होंने पहले तारीख 27 को, वो तहरीर भी थाने से बदली। अब हमारी जानकारी में तो ऐसा तो कुछ हम नहीं कह सकते हैं कहाँ से हटाया, या तो थाने से हटाया होगा या एसपीसीटी साहब के कार्यालय से हटाया गया होगा। उसके बाद एफआईआर, एफआईआर के बाद में ऐसा हुआ था जब पार्टी को बुलाया गया, उनको भी हमें बुलाया गया 27 तारीख को, हमने भी अपना प्रार्थना पत्र दिया, उन्होंने भी अपना प्रार्थना पत्र दिया। इंस्पेक्टर साहब का कहना यह था कि साहब ऐसा है कि इसमें तो कोई मामला, कोई झगड़ा हुआ नहीं है, कोई लड़ाई हुई नहीं है, इसमें तो मुकदमे का कोई आधार है नहीं। बोले मुकदमा किस बात का लिखा जाए? तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं भाई, इसमें इसकी जाँच करा लेते हैं और जाँच के आधार पर जो भी चीज़ होगी, मतलब उस आधार पर कार्रवाई हो जाएगी। तो वो जांच वाँच तो उन्होंने कुछ नहीं कराई और वो एसपीसीटी साहब के यहाँ आकर के उन्होंने अपना प्रार्थना पत्र दिया, उसकी बाकायदा एएसपी साहब ने जांच की, एएसपी साहब ने फर्जी जांच की। सत्यनारायण साहब थे जी, उन्होंने बिल्कुल पूरा फर्जी जांच की, जबकि उसमें सारे चेक क्लियर थे और चेक बाउंसिंग के आधार पर उन्होंने मुकदमा कायम करा दिया। नहीं किया, ये मुकदमा ही नहीं लिखना चाहिए था, ये मुकदमा ही इसमें आईओ दीपक चंद्र दीक्षित इसमें आईओ हैं,